युग बदल रहा है पांचाल नरेश, समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। अकस्मात स्वयंवर? परंतु वासुदेव, इतनी शीघ्रता से इतना बड़ा प्रबंध कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें पांचाल नरेश, युग की धारा को जो परिवर्तित करने आई है उसका स्वयंवर भी युग का सबसे विशाल स्वयंवर होगा। जो वसुधा का इतिहास बदलने आई है उसका स्वयंवर का उत्तरदायित्व स्वयं वासुदेव संभालेगा। यह सृष्टि का सबसे अधिक स्मरण किया जाने वाला स्वयंवर होगा पांचाल नरेश। तो आपको सृष्टि के सभी योद्धाओं को आमंत्रित करना ही होगा, उनमें मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे। मित्रों का स्वागत आप करेंगे पांचाल नरेश, और शत्रुओं से पांचाल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मेरी चतुर रंगनी नारायणी सेना का होगा। परंतु वासुदेव, प्रश्न यह उठता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से हमारी पुत्री द्रौपदी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कैसे होगा? सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव तो परीक्षा से ही हो सकता है पांचाल नरेश। जिस याज्ञ सेनी को पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, उससे विवाह करने के लिए उतना ही ऊंचा मानदंड होगा। द्रौपदी को वही पा सकेगा जो एक असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साध सके। और वो असंभव लक्ष्य क्या होगा वासुदेव? वो लक्ष्य ना कथा में किसी ने सुना होगा, ना स्वप्न में किसी ने देखा होगा, ना कल्पना में किसी ने सोचा होगा। युग के सबसे स्मरणीय स्वयंवर का निमंत्रण भी सबसे विलक्षण होगा। ये निमंत्रण नहीं, चेतावनी होगी कि अग्निसुतः याज्ञसेनी से विवाह करने की इच्छा वही रखें जिनमें अग्नि की ज्वालाओं से खेलने का साहस है। सबसे आवश्यक बात, हस्तिनापुर को यह निमंत्रण भिजवाना मत भूलिएगा। पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज। इसमें क्या हो सकता है? दुर्योधन, हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस? ये दुस्साहस नहीं है गांधार राज, ये संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? वीरों का आभूषण है, धीर मनुष्य ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी हो। ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा योद्धा है पांचाल राज की कन्या का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। परंतु स्मरण रहे, ये स्वयंवर एक अग्नि परीक्षा सिद्ध होगा, वो अग्नि जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और अपवित्र का नाश करती है। निमंत्रण आया है मामाश्री, जाना होगा। परंतु अकेले नहीं। क्यों? आपको मेरे बल पर विश्वास नहीं है मामाश्री? हाँ है, परंतु उसकी माया पर नहीं। इस संसार में एक वो ही है
जिसको लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हूँ, और वो इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। कौन? बताइए मामा श्री। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण। हाँ, वासुदेव कृष्ण। वो कब कहाँ क्या कर जाए? कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिज्ञों में महाराजनीतिज्ञ, कूटनीति में महाकूटनीतिज्ञ, योद्धाओं में महायोद्धा, और छलियाओं में महाछलिया है वो। तुम तो जानते ही, महाबली जरासंध को कैसे नचाया है उसने आज तक। हाँ मामा श्री। उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं। वो तुम्हारे साथ कोई खेल ना कर बैठे, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे ना। और हाँ, पांचाल अब मित्र नहीं, शत्रु राज्य है, और तुम द्रुपद के शत्रु राज्य के युवराज। फिर क्या किया जाए मामाश्री? इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात कर्ण की? मैं तुमसे और राजवंश के सभी कुचक्र और चेष्टाओं से अपना बंधन तोड़ता हूं। आज के पश्चात हमारा कोई संबंध नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। आएगा, अवश्य आएगा। सच मामा श्री? हाँ, मेरी एक चाल से कर्ण तुमसे दूर हुआ, अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा। यदि मेरी बात मानोगे तो ना केवल कर्ण वापस आएगा, बल्कि तुम्हारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा। कर्ण को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मामा श्री, कुछ भी। व्यथित हो से असफल हुआ। उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था, और इस समय ना कुंती मां की। परिवर्तन का स्वप्न देखने वाला का प्रतिकार करने का वचन देने वाला यह कर्ण
शांति की कसौटी पर असफल हो गया। परिवर्तन लाना, अन्याय का प्रतिकार कर पाना यदि इतना सरल होता कोई भी कर लेता। उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की, इतना कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नियति की कसौटी पर असफल तब होंगे जब परिवर्तन का अपना स्वप्न छोड़ देंगे। राजकुमार दुर्योधन का साथ छोड़कर कहीं आप परिवर्तन के अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे? मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा जो कि नीति की स्थापना अनीति का साथ देकर नहीं कर सकते। मैं जन पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हूं और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती। यदि अंग का मुकुट त्याग दिया तो आपके दायित्व का क्या होगा? मैंने मुकुट को छोड़ा है, अपना दायित्व नहीं, परिवर्तन के लिए मेरा संघर्ष सदा रहेगा। तो अंग हो या भगत ग्रह, क्या अंतर पड़ता है? जब आपके प्रयास के लिए अंग या भगत ग्रह में अंतर नहीं है तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? आप ही कहते थे ना कि परिवर्तन सोच से प्रारंभ होता है, और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ दिया, शकुनी उसकी सोच को मैला कर रहा। कुमार दुर्योधन आपके मित्र हैं, यदि आप उनके साथ रहते तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोक पाते। दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती है, परंतु क्या ये उचित हल है? मैंने दुर्योधन का नहीं, उसके कर्मों का, उसके निर्णय का साथ छोड़ा है। एक योद्धा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं, परंतु षड्यंत्रकारी के लिए नहीं, कभी नहीं। यदि दुर्योधन उचित मार्ग पर अंगराज, युवराज दुर्योधन ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अग्नि लगा दी है, शीघ्र ही चलिए। अनुज, दुर्योधन मेरे पुत्र, ये कैसा हट है पुत्र? दुर्योधन बाहर आ जाओ। दुर्योधन पीछे हटिए। पुत्र, पुत्र, ये क्या किया तुमने? स्वयं अग्निकांड क्यों किया? एक अग्निकांड पहले किया था, परंतु उसने मेरे शत्रुओं के साथ साथ मेरे परम मित्र को भी मुझसे छीन लिया, और अब ये अग्निकांड है मेरे पश्चाताप की अग्निकांड। अति उत्तम, जैसा मैंने कहा वैसा ही कर रहे हो। हराओ। नहीं, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। मेरा उपचार केवल मेरा मित्र है, और मेरा तारण तुम्हारी क्षमा। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं वचन देता हूं कभी आज के बाद अपने मित्रता को लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं युधिष्ठिर की युवराज बनने के पश्चात मैं स्वयं पर से वर्ष को बैठा था, और इसीलिए मैं मामाशी के बहकावे में आ गया। अब इन बातों का कोई लाभ नहीं,
धनुष से निकला हुआ बाण लौट कर नहीं आता। परंतु मैं कैसे योद्धा को अवश्य जानता हूं जिसमें अपना बाण वापस लाने की क्षमता है, और वो तुम हो मित्र, तुम हो वो। मेरी बात मानो, आग बढ़ रही है, बाहर आओ। नहीं, मैं तब बाहर आऊंगा जब तुम्हारी क्षमा पा लूंगा, वरना इसी अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। तुम इन्हें दो पीड़ा उठाया है ना मित्र परिवर्तन का, तो मुझे एक अवसर तो दो ताकि मैं ये सिद्ध कर पाऊं मेरा मन भी परिवर्तित हो गया है। कहो मित्र, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? कहो मित्र, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो। बस हो गया मेरे होने वाले सम्राट, अब बाहर आ जाओ। ये हमारी योजना का भाग नहीं था। बस हो गया अभिनय, अग्नि बढ़ रही है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मेरे होने वाले सम्राट बाहर आ जाओ, ये योजना अस्त हो जा। बस मेरी मित्रता आपके किसी योजना का भाग है भी नहीं मामाश्री, ये एक पश्चाताप है। मित्र का पश्चाताप एक जिसने अपने मित्र को ठेस पहुंचाई है। मैंने बहुत से पाप किए, परंतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुकाना चाहता। बोलो कर, तुम मेरे साथ हो? हाँ। केवल हाँ नहीं, मुझे वचन दो कि हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता हूं। सौगंध खाओ अपने अनुज की, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं शोन की सौगंध खाता कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र, हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ मित्र, कोई कुछ अगर नहीं रचूंगा।
कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में अनुचित हो। तब तक नहीं जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं।